नमस्कार, मैं अंबी वर्मा और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। तो चलिए आज की कुछ खास खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत दौरे पर चीन समर्थक मुइजू के विदेश मंत्री जयशंकर ने मुलाकात कर कहा, भारत ने हमेशा मालदीव का साथ दिया। भारत के साथ तनाव के बीच मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत दौरे पर हैं। इस दौरान गुरुवार को उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान जयशंकर ने कहा, भारत हमेशा नेबर फर्स्ट पॉलिसी पर चलता है। दोनों देशों के रिश्ते आपसी हितों पर टिके हुए हैं। भारत विकास के मामले में मालदीव को सहयोग करने वाले अहम देशों में शामिल है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे कई प्रोजेक्ट से मालदीव के लोगों को फायदा पहुंचा है। भारत ने कई मौके पर मालदीव को वित्तीय मदद की है। चीन समर्थक मुइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका है जब मालदीव के कोई मंत्री भारत दौरे पर आए हैं। मालदीव से रवाना होने से पहले जमीर ने कहा, हम भारत मालदीव के बीच सहयोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे जिससे दोनों देशों के लोग इसका फायदा ले सके। मालदीव से भारतीय सैनिकों को निकालने की भी कल यानी 10 मई को आखिरी तारीख है। ऐसे में मूसा का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है।